કચ્છમાં આગામી 3 થી 4 દિવસ મધ્યમ થી ભારે વરસાદની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી। કચ્છમાં મેઘરાજાના પધરામણા થઈ ગયા છે અને રાપર પંથક તેમજ અનેક તાલુકાઓમાં 1 થી 1.5 ઇંચ વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે। ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ કચ્છ પર વેલમાર્ક લો પ્રેશર સક્રિય થયું છે। સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન પણ સક્રિય થયું છે। રાજ્યમાં એક સાથે બે સિસ્ટમ સક્રિય થવાથી રાજ્યના તમામ જિલ્લામાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ રહેવાનું જણાવ્યું છે। તેમજ કેટલાક વિસ્તારોમાં આગામી 3 થી 4 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। આગામી 3 થી 4 દિવસ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા દર્શાવી છે। પવન પણ 15 થી 20 પ્રતિ કિમીની ઝડપે ફૂંકાશે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરી છે। देखिए यदि मौसम की बात करें तो जैसा हमने बताया था सुबह कि एक लो प्रेशर सिस्टम कच्छ और उसके आसपास बना हुआ है। हालांकि अब वो जो है सौराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र में चला गया है। हालांकि इसके कारण से जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक बना हुआ है वो 7.6 किलोमीटर हाइट तक बना हुआ है समुद्र तल से, और उसके कारण से लगभग सभी जगह पे कच्छ है, सौराष्ट्र है, साउथ गुजरात, नॉर्थ गुजरात, सभी में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका तो बनी ही रहेगी। साथ ही कुछ प्लेसेस में कई जगह जो है ना आपको हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल भी देखने को मिल सकता है। साथ ही बादल जो है छाए रहेंगे ज़्यादातर सभी जगह पे, और यही परिस्थिति जो है 3 से 4 दिनों तक आगामी जो है बनी रहेगी। और उसके बाद जैसे मैंने बताया 3-4 दिनों के बाद जो है ना जो रेनफॉल की एक्टिविटी है उसमें कमी आएगी। देखिए कमी भी हो सकती है क्योंकि मैंने बताया ना कि इसका जो सभी प्लेसेस में हल्की से मध्यम की तो आशंका बनी ही रहेगी, उसमें भुज भी शामिल है। साथ ही कुछ जगह पर जो है हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल भी देखने को मिल सकता है, और हवा में भी इस दौरान जो है तेज़ी देखने को मिलेगी जो कि 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक लगभग रहेगी, और उसके ऊपर भी जा सकती है 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा भी बीच बीच में जो है हवा के जाने की संभावना जो है बनी रहेगी।